गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल फाइन आर्ट्स विथ सुरेश। टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट अ पेंटिंग फैल्कन ऑन ए बर्ड रेस्ट। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। बिफोर दैट यू कैन सी द पिक्चर on the screen of a falcon. क्या होता है falcon? शिकारी bird, जो कि जो trained होते हैं किसी दूसरे birds की शिकार करने के लिए, और बहुत ही ख़तरनाक भी होते हैं। सो हम इनको आई थिंक ईगल भी कह सकते हैं, ईगल की प्रजाति के होते हैं falcons. ओके, सेल स्टार्ट। ओके, नेम ऑफ द पेंटिंग इज अ फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। आर्टिस्ट उस्ताद मंसूर। पीरियड कब ये बनी थी? 1618 से 1620 के बीचों बीच। एग्जैक्टली शायद टाइम नहीं पता, बट इसके बीच, इसी सेंचुरी के बीच में बनी थी। कब बनी थी? जहांगीर पीरियड में। एंड मीडियम क्या रहा इसका? टेम्परा, वाटर कलर ऑन पेपर। कर्सी अभी कहाँ पे है ये? महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम, सिटी पैलेस, जयपुर। आई थिंक आप में से कई लोग गए भी हों वहाँ पे। अगर नहीं गए हैं तो कभी जाइए और इस पेंटिंग को ज़रूर देखिए, और जो गए हैं तो डेफिनेटली उन्होंने इस पेंटिंग को देखा होगा वहाँ पे। ओके, सो स्टार्ट विद द लेट अस स्टार्ट विद द subject matter. This painting is based on Jahangir's love for birds and animals. आपको याद है हमने जब पहले मुगल आर्ट के बारे में पढ़ा था, उसमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ते हुए देखा था कि इनकी जो पेंटिंग्स हैं इनमें एनिमल्स को भी शो किया। क्यों? वो इनके और एनिमल्स के साथ इनके अच्छे रिलेशंस को शो करता है। मीन्स ये इनके कितने फाउंडर थे इस चीज़ का भी इसके बारे में बताता है। तो वैसे ही इस पेंटिंग से जहांगीर का प्यार, यानी जहांगीर इस बर्ड या एनिमल्स को कितना प्यार करते थे, इस चीज़ का पता लगता है। ही वॉज अ कीन फैल्कनर एंड ट्रेजर्ड फाइन स्पेसिमन ऑफ फैल्कन ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट प्लेस। ये एक बहुत ही बड़े वाले फैल्कनर थे। अब ये बड़े वाले फैल्कनर मीन्स क्या है? होता है ना, एक शिकारी शिकारबाज शिकार करते हैं दूसरे बर्ड्स को, तो ये क्या करते हैं, अलग अलग जगहों से जो ट्रेंड फैल्कनर्स को मंगवाते थे, तो जमा करते थे, ट्रेजर्ड करते थे अपने पास। तो उनमें से वो क्या करते थे, इनके ज़रिए दूसरे बर्ड्स का शिकार करते थे, जो इन्हें लगता था कि ये शौकिया तौर पे करते थे। ओके, अ सुपर्ब फैल्कन बॉट फ्रॉम पर्शिया वॉज मोल्डेड बाय अ कैट एंड डाइड। एक पर्शिया से इन्होंने मंगवाया था फैल्कन, जो कि कैट के जरिए मारा गया। उनके कोई बिल्ली भी होगी, उसके थ्रू ये मारा गया। तो जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर आस्ट हिज पेंटर, इन्होंने अपने पेंटर उस्ताद मंसूर जी को बताया कि मुझे इस फैल्कन की पिक्चर चाहिए। जहांगीर आस्ट हिज पेंटर टू पेंट हिज प्रीशियस पेट फैल्कन टू बी प्रिजर्व्ड इन जहांगीर नामा। ओके, तो ये उन्होंने कहा और उन्होंने उनके लिए बनाया। डिस्क्रिप्शन, दिस फेमस पेंटिंग पेंटेड बाय उस्ताद मंसूर ड्यूरिंग जहांगीर रेन। उस्ताद मंसूर न्यू द फॉन्डनेस ऑफ एम्पेरर फॉर हिज पेट फैल्कन। ये बहुत ही अच्छे से जानते थे कि वो कितना पसंद करते थे इस फैल्कन को। इन दिस पेंटिंग अ टैम्ड फैल्कन इज सिटिंग ऑन ए कुशन्ड बर्ड। एक पालतू फैल्कन
एक कुशन कुशन यानी आपने देखा होगा जिसके ऊपर खड़ा है एक बर्ड, कुशन सिटिंग ऑन ए कुशन बर्ड रेस्ट, इस पे शायद बर्ड रेस्ट किया करते थे पहले आई थिंक, तो उस पे इसे बिठाया गया। ऑन द बर्ड रेस्ट ओके, नादिर उल असिर, नादिर उल अर्स सॉरी अस्र, नादिर उल अस्र इज़ साइंड बाय उस्ताद मंसूर हु वॉज अवार्डेड दिस टाइटल। आपने देखा इस जिस पर वो बर्ड बैठी है उस पर कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, तो ये यही चीज़ लिखा है, नादिर उल असर इज़ साइंड बाय उस्ताद मंसूर, क्योंकि उनके ये फेवरेट पेंटर थे, उन्होंने इसको उनको ये टाइटल दिया था जहांगीर जी ने। द क्रूअल आई ऑफ फैल्कन कैन बी सीन इन दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग में आप देखें बड़े खतरनाक जानलेवा आंखें इनकी दिखाई गई है। ओके, द फैल्कन इज पेंटेड इन वाइट अगेंस्ट अ येलो बैकग्राउंड विथ ब्राउन डिटेल्स ऑफ इट्स फोल्डेड विंग्स। ये फोल्डेड विंग्स हैं, इसमें आप देखिए कैसे ब्राउन डिटेलिंग की गई है, पीछे येलो बैकग्राउंड है, तो इसे वाइट कलर में पेंट किया ताकि ये क्लियरली दिखे, प्रोमिनेंटली दिखे इसकी डिटेलिंग। ओके, अ शार्प पीक एंड राउंड विजिलेंट आई इज पेंटेड इन लाइट ब्राउन एंड येलो ऑकर डीप कलर। आप इसकी बीक को देखिए, इसकी आईज़ को देखिए, किस तरीके से शार्प यानी बहुत नुकीला इसका चोंच, इसकी आँखें येलो कलर यानी येलो ऑकर कलर, डीप येलो ऑकर कलर से बनाई गई। थ्री वर्ड्स जहांगीर बताश एट टॉप, ये थ्री वर्ड्स में से पहला वर्ड है जो सबसे ऊपर लिखा है, देखिए जहांगीर बताश एट टॉप बाहरी नियर द फैल्कन एंड उत्तम ऑन द बॉटम आर रिटन। तो बाहरी मीन्स फैल्कन, इसका मतलब फैल्कन है, उत्तम मीन्स एक्सीलेंट। ये बहुत ही सिंपल पेंटिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इससे हम जहांगीर के उनके उनकी पसंद के बारे में, उनके एनिमल्स लव के बारे में हम पता कर पा रहे हैं। सो आई थिंक बहुत ही इजी पेंटिंग, आपको समझने में भी आसानी हुई होगी। देखो बच्चों, आपको क्या है ना कि इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इनके पेंटिंग का नाम, आर्टिस्ट नेम, पीरियड, मीडियम क्या है और एट प्रेजेंट ये कहाँ पे है, क्योंकि ये जो अपर सेक्शन आप देख रहे हैं इसमें ये एग्ज़ाम में अगर ये सब्जेक्टिव टाइप में आता है क्वेश्चन, तो अपर सेक्शन जो है 1.5 नंबर का होता है। ओके, तो अगर ये 5 मार्क्स का हो तो अपर पोर्शन ही 1.5 मार्क्स का होता है, सब्जेक्ट मैटर भी 1.5 मार्क्स का होता है, देन उसके बाद डिस्क्रिप्शन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल अगर 5 मार्क्स को हम इसमें क्लियरली देखें तो ऊपर 1.5, सब्जेक्ट मैटर 1.5, डिस्क्रिप्शन 2, तो कंप्लीट 5 नंबर को, 5 नंबर को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। तो जब भी आप लर्न करें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई डाउट लगे इसमें प्लीज़ आस्क मी ऑन माई नंबर। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।